हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, पठान। ओ शिट यार, वही मूवी का नाम मेरे मुंह में आ जाता है, पता नहीं क्यों। जवान हम देखने जा रहे हैं अभी, मैं और साइन आए। तो अभी मैं यही कपड़े पे, नॉर्मल टी शर्ट पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो इस्त्री करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे घर पे थोड़ा कलरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अभी तो गणपति आने वाला है ना, इसलिए तो घर पे कलरिंग का काम चल रहा है। तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा ना चाहते हुए, तो अभी वो वहाँ पर कहीं पर रुका होगा, तो हम उधर जाते हैं, उससे मिलते हैं। कैमरा तो भाई उसके हाथ में दे देंगे, बाकी वो बड़बड़ करते रहेगा, अपना कंटेंट निकलते रहेगा, ठीक है, लेट्स गो। और एपिसोड 3 में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, और एक बंदा वो तो वेल्ला होता है, लेकिन उसको क्या पता क्या होता है उसके आँख में, पता नहीं, कभी हाँ बोलता है कभी ना होता है, तो उसको छोड़ दिया हमने, उस काम का नहीं है, वो कंटेंट देख रहा होगा वीडियो, है ना। तो अभी हम दोनों जाते हैं, तो वो भी इधर ही खड़ा होगा कहीं पर, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, किधर जाएंगे, रिक्शा जाएंगे, लेकिन जाएंगे। ओके, कस्तूरबा में रस्ते में देख रहे भाई हम लोग। भाई अभी मतलब पिक्चर का इंटरमिशन हुआ है भाई, ये इंटरमिशन नहीं, ये गूजबम वाला मिशन है भाई। मतलब शाहरुख खान जो दिखा है भाई, मतलब फटे। छोड़ो, ये कितना चिल्ला है उसको पूछो भाई। मतलब भाई शाहरुख खान का मतलब एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर में जब वो आता है भाई, शिट, मतलब बोलते ना फाड़ दिया है मूवी उसने भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो बच्चा, बच्ची को भी हाथ में ले रहा है, वैसे लगता है मैं जाऊँ उसके बच्ची के जगह पर भाई। शिट भाई, इतना चिल्लाया भाई, मतलब ऑडियंस भी बहुत सपोर्टिव है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये शाहरुख खान वाला मूवी है। मतलब इतना मज़ा तो पठान में भी नहीं आया था जितना ये वाले मूवी में आया, मतलब हो भाई। ये तो देखा भी नहीं पठान भाई, ये तो मतलब कुछ कोई भी, कौन सा मूवी दिखा है शाहरुख, डिटेल जी दिखा है। मैं तो दिल वाले भी ना देखा, बस गाना सुनता हूँ उसका थोड़ा बहुत, मतलब भाई ये बंदा हैप्पी नहीं कर देता। लेकिन भाई मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना ये मूवी में, माँ कसम भाई। गाइस पिक्चर देख के आ चुके हैं, खाना पीना खा लिया है, कुछ रिकॉर्ड नहीं गया क्योंकि ऐसा सदमे से बाहर नहीं निकले शाहरुख खान की मूवी का। अभी वो इम्पैक्ट चल रहा है, गुसबम चल रहा है, यू नो, ऐसा फील आ रहा है कि यार मूवी था भाई। अभी तो घर जा रहे क्योंकि यार थक गए अभी भाई। यार 3 बजे थी ना, 3 घंटे का एग्जैक्ट, 3 घंटे का मूवी था, 3.5 घंटे का मूवी था, 3.5 घंटे का मूवी हुआ ना, फिर 6:30 बज गया और मैं 7 बजने आ गया। अभी फिलहाल के लिए अब अभी घर जा रहे हैं हम लोग दोनों, क्योंकि भाई अभी मूवी वूवी सब खत्म हुआ है, अपने अपने, हाँ अपने अपने घर, ये रास्ते पे रहता है और मैं बंगलों में रहता। नहीं भाई, दोनों गरीब आदमी है भाई, बंदा ये यूट्यूब चैनल के लिए स्ट्रगल कर रहा है और मैं IIT के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये भी 3 बजे तक जागता है एडिटिंग के लिए, मैं भी 3 बजे तक जागता हूँ पढ़ने के लिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बस लाइफ में, बस मेरी बॉडी थोड़ी ज़्यादा है इसकी कम। राम एक्सपोज्ड, जो ही बोल रहा, मेरे और शाहरुख खान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, वो अच्छा दिखता है। मैं शाहरुख खान को मैंने तो एक्टिंग सिखाया था यार, लेकिन आप कौन जाने यार, क्या ही कोइंसिडेंस है, मेरा और स्काई का लुक एकदम सेम है भाई, वो भी पर्पल, मैं भी पर्पल, एकदम ब्लू फेड, यू नो, वो थोड़ा ब्यूटीफुल है वो स्काई, मेरे को लगता है थोड़ा ब्यूटी मैचिंग मैचिंग स्काई थोड़ा ब्यूटीफुल है गाइस, सिनेमैटिक शॉट ले भाई, सिनेमैटिक, अच्छा हां
शाहरुख खान सर काश का है ना गाइस ठीक है लेगी आईने में साले इसलिए तो किया न्यूज़पेपर बेचना लगता है आरामी गाइस तो जैसे कि आपको पता है अभी आने वाली है गणेश चतुर्थी तो मेरे आप जो पीछे एरिया देख रहे हो ये टीवी का पूरा पीछे का तो वहाँ का कलर वगैरह निकाल के वहाँ वो एक वॉल पेपर डालने वाले अभी घर वालों का प्लान चल रहा है तो हम तो सारे प्लान से आउट होता हूँ अभी मैं जो घर का प्लान चल रहा है वो तो मुझे कोई पता नहीं अभी वो लोग गए वॉल पेपर लाने तो उधर का दीदी को मैंने कहा है कि रिकॉर्डिंग करने तो मैं आपको उधर का थोड़ा शोरूम वगैरह जो भी होगा दुकान होगी वो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लिप में और आई डोंट नो दिखाऊंगा कि नहीं सो ये पूरा जो देख रहे हो ये जो जितना कलर दिख रहे हो ये इतना आई डोंट नो ऊपर का है कि नहीं पार्ट काउंट हो रहा है कि नहीं पर यहाँ का जो पार्ट है उधर लगने वाला है पोस्टर और क्या बोलते हैं आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं वॉल पेपर जो भी बोलते हैं वो लगने वाला है उधर तो आई डोंट नो कैसे लगने वाला है और आप लोग को गणेश चतुर्थी के ब्लॉग्स देख रहे हैं तो हमारे घर पे भी बैठते हैं गणपति अप्पा तो आप उस ब्लॉग के लिए भी देख रहे हैं तो देख सकते हो और बस अभी थोड़ी देर में अगर पॉसिबल तो मैं बाहर जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आज कोई साथ में तो है नहीं तो देखते अगर अकेले चल सकते तो हम चल जाएंगे अकेले वरना नहीं जाएंगे आज छोटा सा व्लॉग एंड कर देंगे आज संडे है तो थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं हम भी थोड़ी सी ठीक है आई डोंट नो बाबा क्या होगा आगे का आप देखते रहो आप मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाता हूँ बहुत कम पड़ चार्जिंग है बस वो वाला ओपन कीजिए हेलो गाइस तो अभी हम पार्टी चेंज करके जा रहे हैं कॉफी पीने अपना रोज का कार्यक्रम है वो पूरा करने जा रहे हैं तो आपको यहीं का स्क्रीन पे जो गणपति मेरे घर पे आने वाले हो अभी आपको दिख रहे होंगे जो मूर्ति हम लोग ने बुक करी है वो आपको दिख रही होगी आप तो पता नहीं मेरे को वो अभी दीदी ने मेरे को मूर्ति का फोटो ला के दिया है तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ तो बस अभी 10 दिन का वेट है 9 दिन का वेट है 9 दिन के बाद वो वाला भी ब्लॉक आ जाएगा गणेश चतुर्थी के आगमन का। हेलो अंकल कैसे हो आप? हाँ ठीक है बाबा। अंकल एकदम मस्त है अंकल का सिर चमकता है और क्या ना उषा कांचा चीना जोकर सारा अपनी कॉफी यहाँ कॉफी बूस्टर यहाँ आ चुका है तो तब तक तुम लोग को मैं इधर का वो दिखाता हूँ टाइम लैप्स ठीक है भाइयों ये बंदा है ना कसम से मेरे घर पे आया ना छः ज़्यादा हो गया 5 बार तो आया ही होगा ये लड़का मेरे घर पे लेकिन आज जब काम था तब तो आ रहा नहीं है क्या फ़ायदा इस बंदे का क्या फ़ायदा भाई तेरा बता दे क्या 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 फ़ायदा भाई मारा नहीं मैंने बस दूर से घुमाई यार लात अरे अंकल अंकल जाओ अंकल आप जाओ देख ले भाई मैं दूर से घुमाइए देख ले अबे जा बे तू हाथ लगाएगा मेरे को गटर में फेंक देगा मैं तेरे को मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि ये फेंकेगा बंद कर दी भाई वीडियो हाँ बोल क्या उखाड़ लेगा बता दे जरा ये बस बोलते हैं गाइस ये वो बातें लेते तो बस गरजते हैं बरसते नहीं ये डरता है मेरे से गाइस एक कुत्ता बिल्ली को डरा रहा है अच्छा देखता ही डर जाता है भाई तेरा खौफ ही सही है हाय ये देख लो भाई नसीब देखो पप्पा हाथ दिखाता है भगवान को
हाँ गाइस, तो बहुत दिनों के बाद ओ भाई क्या बोल रहा है सौरव जोशी बन गया मैं। गाइस अभी हम मिस्टर बुलबुल पांडे को यहाँ पर लेके आने वाले। ये आदि गुप्ता है, हाथ को हटा दे भाई, ये आदि गुप्ता है। अभी आदि गुप्ता बुलबुल पांडे में बदलने वाला है, एक सेकंड। हेलो गाइस, बुलबुल पांडे यार स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो गाइस, कैसे हो भाई यार, कैसा लगा वीडियो बता दे रहा छोटा मोटा भाई। ये क्या लग रहा है भाई, कैसा लगा वीडियो बताओ? मस्त था, आई डोंट नो, अभी कलरिंग का काम चल रहा है घर पे, बाहर वाले रूम में तो गाने वाने का आपका आवाज। वो चश्मा, हाँ भाई आज तो काला शर्ट भी पहना है। तो हाँ बस अभी बाहर वगैरह काम वगैरह चल रहा है ना, तो घर का तो अभी गाना वाना चल रहा है। बाहर वो अंकल कलर पेंट मारते मारते वो गाना सुन रहे हैं। तो अभी बस कैसा लगा आज का ये ब्लॉग बताओ कमेंट में, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, हर महादेव।